स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइजेस फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम क्लास थर्ड ओपन स्काइज. ओके, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में, ठीक है. उसके बाद हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं बच्चों, कि हम एक्सरसाइजेस या नोटबुक्स में जो भी आंसर शीट भेजेंगे आपको, क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ अपडेट करके भेजी जाएगी, वो आपको अपने नोटबुक में राइट करनी है, ठीक है. और जब भी स्कूल ओपन होगा तो हम उसको चेक करेंगे. ओके, सो इस चीज़ को आप लोग कंटिन्यूसली करिएगा, कंप्लीट करना है उसको, ठीक है. और अब हम बुक की एक्सरसाइजेस फील करेंगे चैप्टर फर्स्ट. ओके, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे, उसके पहले आपको करना क्या है कि आपको चैप्टर फर्स्ट की ये जितनी वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको राइट करनी है. ओके, ये आपको राइट करनी है. उसके बाद आपको आंसर क्वेश्चन आंसर राइट करना है. ओके, देन बुक की एक्सरसाइज फिल करनी है आपको. पहला हमारा एक्सरसाइज क्या है, रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉर हेल्प. इसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है. जैसे पहले लेटर सबके दिए हुए हैं और वो थिंग क्या है वो आपको यहाँ पे राइट करना है. पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग वुड, यानी एक ऐसा टूल जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, काटने के लिए लकड़ियाँ. तो वो क्या होता है बच्चों, क्या होगा वो, ये होगा आपका एक्स, ए एक्स ई, यानी एक्स यानी क्या होता है, फावड़ा, कुल्हाड़ी, ठीक है. सेकेंड, अ शेल्टर फॉर हॉर्सेस, यानी जहाँ के सारे घोड़े रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टबल, ठीक है, एस टी ए बी एल ई, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा, द मेन वुडी स्टेम ऑफ द ट्री, जो आपका पेड़ होता है उसके तने को क्या बोलते हैं, ट्रंक, टी आर यू एन के. ओके, ट्रंक. फिर उसके बाद द कलर ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल कलर क्या होता है, पर्पल, पी यू आर पी एल ई. ओके, देन बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन देम, कहाँ बिल्ड करते हैं नेस्ट, अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं वो, ट्रीज पे, टी आर डबल ई एस. ओके, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लीव, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं वो कौन सी जगह होती है, फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी. ओके, ये आप इतना करिए. उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा आता है ट्रू फॉल्स. ओके, ट्रू फॉल्स में हमारा पहला ट्रू फॉल्स है, वेट अ मिनट. ओके, स्टेट इफ द क्वेश्चन आंसर, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि वो उसकी शीट आपको मिलेगी, आपको आंसर्स राइट करने होंगे. पहला है स्टेट इफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू आर फॉल्स. तो फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि द पोएट वॉन्ट्स टू बिकम ग्लैड, ओके, ग्लैड एंड फ्री लाइक द डांसिंग वेव्स, ठीक है. तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, द पोएट वेप्स टू बिकम ग्लैड एंड फ्री लाइक द डांसिंग वेप्स, इसका क्वेश्चन का आंसर है ट्रू. ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट एवर गॉड टचेज ऑन दिस अर्थ टर्न्स इन टू ब्यूटी, ठीक है. तो ये क्या होगा, ट्रू. थर्ड, द रॉक्स ऑफ टावरिंग ग्रैंडियर आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड श्योर, ये क्या है, फॉल्स है. द पोएट प्रेज टू गॉड टू लिफ्ट द थॉट हिज थॉट अबव, ये क्या है, ट्रू है. ओके, नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. इसमें आपको फील करना है सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में. फर्स्ट क्या है, द पोएट वॉन्ट्स दैट गॉड विथ हिज स्पिरिट वुड रिक्रिएट, आर ई सी आर ई ए टी ई, रिक्रिएट. ओके, सेकेंड,
द वेव्स डांस इन द सनलाइट SUNLIGHT सनलाइट. थर्ड द पोएट डिजायर्स दैट हिज थॉट शुड लिफ्ट अप लाइक द आर्चिंग ऑफ द हेवेंस स्पेलिंग HEAVENS ओके HEAVENS. फोर्थ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज प्योर प्योर और क्या है स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू ओके. देन नंबर फोर आपका क्या आता है पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस. फर्स्ट क्या है गॉड हैज़ मेड दिस अर्थ एंड ही लव्स ऑल हिज चिल्ड्रेन. ठीक है गॉड ने क्या बनाया अर्थ बनाया है और अपने बच्चों से वो प्यार करते हैं. तो फर्स्ट का आंसर जो होगा ए का आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड द स्प्रिंग्स एंड रनिंग वाटर्स कैन मेक द पोएट इसका आंसर क्या होगा बच्चों प्योर PURE प्योर. नंबर थर्ड द पोएट वॉन्ट्स टू बी अपराइट लाइक अ स्ट्रेट कौन सा ट्री पाइन ट्री. नंबर फोर द पोएट प्रेज टू गॉड टू टर्न्स हिज ड्रीम्स टू क्या होगा यहाँ पे नोबल एक्शन यानी थर्ड का नोबल एक्शन. ठीक है तो आपको ये वीडियो अगर समझ में आ गया है तो ठीक है और क्योंकि मैंने इजीली इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया है और एक्सरसाइजेस भी फिलअप करा दी हैं तो आप लोग इसको जो है अपनी बुक में फिलअप कर लीजिएगा. ठीक है और इसके स्कूल ओपन होने के बाद मैं इसको चेक करूँगी देन आगे के चैप्टर्स जो अपलोड करूँगी वो आपको सेंड करती जाऊँगी. ओके स्टूडेंट्स सो गुड बाय थैंक यू.